प्रश्नकर्ता कह रहे हैं अध्यात्म नमक की तरह है जीवन सब्जी है बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए बहुत कम भी नहीं होना चाहिए आचार्य जी आपको तेज़ नमक पसंद है ये अलग बात है लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो नमक ज़रा कम चाहता हो आप सब पर इतना नमक क्यों आरोपित करते हैं त्म नमक नहीं है अध्यात्म सब्जी भी नहीं है अध्यात्म वो चेतना है जो आपको बताती है कि तुम भूखे हो और तुम्हें जहर नहीं चाहिए समझ रहे हो तुम भूखे हो पहली बात और दूसरी बात जहर के भूखे नहीं हो कुछ और चाहिए तुम्हें अध्यात्म जीवन का कोई हिस्सा नहीं होता कि जीवन एक समग्र है एक समग्रता का नाम आपने रख दिया जीवन और अध्यात्म को उसका कोई अंश कोई हिस्सा बना दिया अध्यात्म वो दृष्टि है वो प्रकाश है जिससे आप जान पाते हो कि चलना कैसे है जीवन के किसी भी हिस्से में अध्यात्म खुद कोई हिस्सा नहीं है आ रही बात तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी के कई हिस्से होते हैं एक व्यक्तिगत एक पेशेवर व्यावसायिक और एक आध्यात्मिक और एक कुछ और और कुछ और ऐसे हम कहते हैं ना पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ और इनको हम अलग अलग मानते हैं आप ये नहीं कहोगे कि मेरे घर में मेरी प्रोफेशनल लाइफ चलती है तो एक हिस्सा है जिसको आप कह देते हो कि ये मेरा व्यावसायिक जीवन है वैसे ही आप ये नहीं कहोगे कि दफ्तर में आपकी व्यक्तिगत जिंदगी चलती है घर में आपने सीमा बना रखी है कि व्यक्तिगत जीवन तो मेरा घर में चलता है वैसे ही बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन भी होता है जो पूजा घर में चलता है या मंदिर में चलता है या जब आप किसी शिविर वगैरह में जाते हो तब चलता है तो फिर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे हफ्ते क्या किया तो आप कहेंगे चार दिन व्यवसायिक थे और तीन दिन आध्यात्मिक थे है ना हमें बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का वर्गीकरण कि ये इतना ये इतना ये इतना नहीं अध्यात्म ऐसा नहीं है अध्यात्म वो रोशनी है जो आपको बताती है कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है नहीं करना है और अगर करना है तो कैसे और कितना करना है वो हिस्सा नहीं है वो सब हिस्सों पर पड़ने वाली रोशनी है और वो रोशनी ना हो तो ज़िंदगी के जितने हिस्से हैं सब अंधेरे हो जाएंगे ये अभी यहाँ कमरा है इस कमरे में बहुत सारे हिस्से हैं है ना है कि नहीं हिस्से आप कह सकते हैं खम्भों के पार एक हिस्सा है वहाँ कैमरे के पीछे एक हिस्सा है इधर मंच पर एक हिस्सा है मंच की दाई तरफ एक हिस्सा है या मूर्तियाँ वहाँ एक हिस्सा है। आप कह सकते हैं मंच कमरे के आप कई हिस्से कर सकते हैं पर कोई भी हिस्सा क्या है और कैसा है यह आपको कोई दूसरा हिस्सा नहीं बता पाएगा उस कोने वाले हिस्से के बारे में इस कोने वाला हिस्सा कुछ बता सकता है क्या नहीं बता पाएगा ना इन सब हिस्सों को देखने के लिए आपको इस कमरे में क्या चाहिए रोशनी अध्यात्म वो रोशनी है इस रोशनी के बिना जितने हिस्से हैं सब बर्बाद हो जाएंगे कभी आप तारों से उलझ के गिरेंगे कभी आप खंभे पर सर पकड़ेंगे पटकेंगे कोई भी हिस्सा ठीक नहीं चलेगा न व्यक्तिगत न व्यवसायिक न दोस्त यारों संबंध न रुपए पैसे के प्रति रवैया सब अंडक बंडक हो जाएगा सब उलझ जाएगा कुछ बात समझ में आ रही है तो अध्यात्म को जिंदगी का पार्ट मत बनाइए वो पार्ट नहीं है वो आधार है कुछ समझ रहे हैं वो कोई पार्ट टाइम अंशकालिक चीज नहीं है कि अभी इधर दो महीने से मैंने बहुत नंबर दो का काम करा तो अब हफ्ते भर मैं जरा ऋषिकेश रह करके आता हूं गंगा में कुछ धोना है हम्म कि पार्ट टाइम चीज है कि हर दो महीने के बाद एक हफ्ते कुछ धोने के लिए गंगा चले जाते हैं नहीं नहीं लेकिन हम ऐसा ही मानते हैं ना लगातार जैसे ध्यान लगातार वैसे ही अध्यात्म लगातार दोनों में कोई अंतर है क्या कुछ बात समझ में आ रही है ये सब्जी में नमक वाला उदाहरण रसोई तक ही रखिए। रसोड़े में कौन था ऐसा सड़ा हुआ उदाहरण कि सब्जी में जो नमक डला है वो अध्यात्म है और जो हल्दी डली है वो पप्पू की अम्मा है और क्या क्या है तुम्हारी सब्जी में मिर्च का नाम बताना तो इस तरह के कई चीजें कोई मिश्रण से जो चीज तैयार होती है उसको बोलते हैं हमारी रसीली जिंदगी क्या तो भीतर नमूना रखा हुआ है हुँ? कि जिंदगी क्या है मिक्स्ड वेजिटेबल अरे सब कुछ डालो रे उसमें थोड़ा 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 और फिर थोड़ा सा अध्यात्म का नमक भी डालो बहुत खुराफाती नमूना है ये ऐसे कह लो कि जिंदगी की रोशनी या जिंदगी की रसोई में जो ऊपर से रोशनी आ रही है उसका नाम अध्यात्म है वो रोशनी रहेगी तो कुछ सही पका पाओगे वो रोशनी नहीं रहेगी तो क्या करोगे जो भी पकाना उसे खामत लेना कोई ऐसी रसोई हो जिसमें प्रकाश बिल्कुल नहीं वहां जो पक रहा है वो सेहत के लिए हानिकारक है समझ में आ रही है बात और रोशनी किसी सब्जी का हिस्सा नहीं होती रोशनी किसी भी सब्जी का हिस्सा नहीं होती लेकिन रोशनी के बिना पकी हुई सब्जी हानिकारक बहुत होती है क्या आध्यात्मिक व्यक्ति को ये पता होना ज़रूरी है कि वो आध्यात्मिक है क्योंकि ये शब्द तो अधिकतर जैसे हिंदू या बौद्ध इनमें आता है तो कोई अंदर से कोई स्पिरिचुअल है आध्यात्मिक है तो उसे ये थोड़ी पता होना चाहिए कि भाई वो आध्यात्मिक है ऐसा आवश्यक नहीं है इस शब्द का पता होना आवश्यक नहीं है लेकिन क्या कुछ है जो उसे नहीं होना चाहिए ये पता होना आवश्यक है आप आध्यात्मिक हैं इसका आपको इसी नाम से संज्ञान हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है ये कि आपको पता हो कि जीवन में क्या क्या आप नहीं हैं समझ रहे हैं ठीक वैसे जैसे आत्मा का पता होना जरूरी नहीं है लेकिन माया का पता होना जरूरी है बल्कि आत्मा का तो आपको जितना कम पता हो उतना अच्छा माया पता होनी तो जरूरी है ना लेकिन दूसरे शब्दों में सच पता होना जरूरी नहीं है लेकिन झूठ पता होना बहुत जरूरी है